नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही जो व्यूअर इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न की बात करें तो मानव का विकास तब होता है जब परीक्षण का होता है, यानी कि जो गैपिंग है इसमें आपको भरना है। यहाँ पर मानक का विकास यानी कि किसी भी नॉलेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, नॉलेज का विकास कैसे होता है किसी भी परीक्षण में। जब कोई हम नया परीक्षण डेवलप करते हैं तो जब परीक्षण बना लेते हैं तो वह एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उस परीक्षण का क्या होता है, मानकीकरण होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो मानकीकरण हो जाएगा, यानी कि जब भी आप कोई परीक्षण डेवलप करते हैं, तो आप उसकी विश्वसनीयता, वैधता, विभेदनकारी शक्ति, उसकी आइटम एनालिसिस, ये सारी चीजें ज्ञात करने के बाद आप उसके प्राप्तांकों को एक निश्चित मानक प्राप्तांकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसी सभी प्रक्रियाओं को कहते हैं मानकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बात करें तो चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये अब थिंकिंग का प्रश्न आ गया। आप पिछले व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी चिंतन होता है तो उसमें कुछ चीजें सम्मिलित होती हैं। हमारा जब थॉट होता है, जो हम चिंतन करते हैं, वह चिंतन ऐसे ही नहीं होता है, उसमें चिन्ह सम्मिलित होते हैं, भाषा सम्मिलित होती है, कॉन्सेप्ट सम्मिलित होता है। तो इस तरह से आप खुद ही जब सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप मन ही मन बात करते हैं, यानी कि क्या होता है, भाषा सम्मिलित हो गई। आप किसी न किसी चिन्ह को इधर से उधर करते हैं, चिन्ह को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, वस्तुओं को कोरिलेट करते हैं और वस्तुओं की निश्चित विशेषताओं से संबंधित बात करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वस्तुएं, संप्रत्यय और चिन्ह है। आप पिछले भी व्याख्यान में ऐसे ही प्रश्न देखे थे। तो जब भी हम चिंतन करते हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण उपकरण है कॉन्सेप्ट, बगैर कॉन्सेप्ट के आप चिंतन कर नहीं सकते हैं। चिंतन का ही आप एसोसिएशन करते हैं उसमें और वस्तुओं का एसोसिएशन करते हैं, साथ ही साथ भाषा भी सम्मिलित होती है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो परिभाषिक शब्दों तथा उनकी विशेषताओं परिभाषाओं से सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करने वाला एक प्रश्न है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं और उसके तीन आप परिभाषाएं मान लीजिए। संवेदी प्रेक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र, सहसंबंधात्मक क्षेत्र, चालक प्रक्षेपण क्षेत्र, यानी कि यह मस्तिष्क का क्षेत्र बता रहा है। यानी कि अगर आप इसे देखें तो ये सेंसरी मेमोरी, सेंसरी एरिया, ये एसोसिएट एरिया और ये मोटर एरिया। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की संरचना पे अगर आप ध्यान दें तो मस्तिष्क की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि वहाँ पर आप देखते हैं यहाँ ये लघु मस्तिष्क होता है और यहाँ से सुषुम्ना होती है। ये हमारा मस्तिष्क की संरचना होती है और साथ ही साथ आप सेंट्रल दरार और लेटरल दरार, दो तरह की दरार होती है। तो आप पहले समझ लीजिए कि ये लघु मस्तिष्क होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है, ये फ्रंटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब और पैरिएटल लोब, ये चार तरह के लोब में बटा होता है। तो यहाँ पर अब स्पेशलाइजेशन होता है क्षेत्र का। तो क्षेत्र का स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर तीन प्रश्नों की बात हो रही है, संवेदी क्षेत्र, सहसंबंधात्मक क्षेत्र और चालक क्षेत्र, तो इनको इन दोनों में से कौन कौन परिभाषित करते हैं। ठीक, तो पहले तो आप समझ लीजिए
आपके मस्तिष्क के जो ये सेंट्रल दरार होती है इसके आगे का भाग, यानी कि ये भाग जैसे अगर देखा जाए तो ये भाग कहा जाता है सेंसरी एरिया, और इसी के इधर होता है, ठीक, इसी के इधर का भाग क्या कहलाता है, मोटर एरिया कहलाता है। वहीं आप एक नाम सुने होंगे ब्रोका एरिया, यहाँ पर ब्रोका एरिया होता है, ये जो एरिया होता है ये किसका होता है, ये होता है श्रवण क्षेत्र होता है, और यहाँ पर ये ऑक्सिपिटल लोब होता है, ठीक। तो ये तरह इस तरह से कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों का स्पेशलाइजेशन होता है। तो अब किस चीज़ों की बात कर रहा है, संवेदी क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र की बात, और चालक क्षेत्र यानी मोटर एरिया इस क्षेत्र की बात। आइए अब हम बात करेंगे कि मस्तिष्क का वह क्षेत्र जहां संदेश अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, फिर वह पेशियों तथा ग्रंथियों की ओर जाती है। आइए, क्योंकि क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र जहां संदेश अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, ध्यान दीजिएगा, और वो फिर कहां जाती हैं, पेशियों तथा अंगों की ओर जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब मस्तिष्क कोई अनुक्रिया प्रेषित करता है तो वो किसके द्वारा होती है, मोटर एरिया द्वारा होती है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए का तीसरा सही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जहां संवेदी ग्राहक से संदेश अंकित किए जाते हैं, संवेदी ग्राहक से संदेश अंकित किए जाते हैं, यानी कि जो अंगों से सूचना आती है या न्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आते हैं, वो सूचना वो कहाँ लेकर आते हैं, संवेदी एरिया में लेकर आते हैं, यानी कि कहाँ ले आते हैं ये, ठीक। अब एक ही ऑप्शन बचा तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं, फिर भी आप पढ़िए कि मस्तिष्क का वह क्षेत्र जहाँ भिन्न ज्ञान इंद्रियों से आने वाले संदेश अर्थपूर्ण छापों से में सम्मिलित होते हैं तथा चालक क्षेत्रों से बाहर जाने वाले संदेश समाकलित होते हैं। यानी क्या करता है, ये जो क्षेत्र होता है वह इन दोनों के संबंध को स्थापित करता है, यानी सेंसरी प्लस मोटर एरिया के संबंध को स्थापित करता है, दोनों के मेल से काम करता है, और वो लगभग पूरे कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, दूसरा, ठीक है। तो आइए अब आप समझ गए होंगे, उसके आधार पर हम कूट का मिलान करते हैं। तो कूट जब आप मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि उस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी। अगले प्रश्न पर बात करें तो संवेग की मुखाकृति अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। फिर से संवेग के क्षेत्र में हम लोग आ गए, संवेग का क्षेत्र जिसमें फेशियल फीडबैक यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन परिलक्षित होती है, किससे, ठीक है, नैमित्तिक व्यवहार से, प्रतिस्थापित व्यवहार से, अवांछित व्यवहार से, असंतुलित व्यवहार से, ठीक है। तो आप चूंकि संवेग की फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो चूंकि आप एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से होता है, नैमित्तिक होता है, जो व्यवहार निमित्त मात्र होता है, हम क्या होता है कि किस तरह से क्रोध दिखाना है, किस तरह से डर का संवेग, ये सारी चीजें हमारे निमित्त में सम्मिलित होती हैं, न कि ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए। अगले प्रश्न पर चले तो पद विश्लेषण में पद विभेदीकरण की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं। तो बात करेंगे कि आइटम एनालिसिस की बात की जा रही है, जब हम परीक्षण निर्माण करते हैं तो हमें आइटम एनालिसिस करनी होती है। आइटम एनालिसिस करने के दौरान हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बात करना होता है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना होता है या निर्धारित करना होता है, जिसे कहते हैं विभेदनकारी डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो इस डिस्क्रिमिनेशन पावर को निकालने की कई विधियां हैं, यानी कि जिसे पद विभेदक विभेदीकरण कहते हैं।
जो ये बताता है कि कोई एक आइटम दूसरे आइटम से कितना अधिक सहसंबंधित है। अगर वो जितना अधिक सहसंबंधित होता है उसमें उतना अधिक कोरिलेशन पाया जाता है। अब यहाँ पर ये विभेदकारी शक्ति होती क्या है, यानी कि एक ऐसा कारक जो निर्धारित करता है योग्य तथा अयोग्य व्यक्तियों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, पद विभेदीकरण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन में प्रयोज्यों के ऊपरी 50% और नीचे के 50%, वहीं नीचे दिया गया है प्रयोज्य के ऊपरी 20% और नीचे के 20%, प्रयोज्य के ऊपरी 27%, नीचे 27%, प्रयोज्य के ऊपरी 10% और नीचे के 10%। तो इस आधार पर, क्योंकि जब हम विभेदीकरण ज्ञात करते हैं आइटम एनालिसिस में, तो उसमें दो तरह के इन गणनाओं को सम्मिलित करते हैं। एक तो प्रयोज्यों के ऊपरी 50% और नीचे 50% लिया जाता है, और दूसरा नीचे से 27% और ऊपर से 27% दिया जाता है, जो कि केली ने दिया है। केली का ये उत्पादन है कि जब भी हम विभेदीकरण ज्ञात करें तो ऊपर से 27% और नीचे से 27% आवृत्तियों को लेकर हम गणना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है वह ऑप्शन ए होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल के 3 मुख्य तत्व हैं। फिर से प्रश्न वही आ गया, पिछले व्याख्यानों में हम लोगों ने गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी मेरा गिलफोर्ड पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है गिलफोर्ड के सिद्धांत पर, तो अभी तक अगर आपने उस व्याख्यान को नहीं देखा है तो अवश्य ही देखिए। बहुत ही सरल शब्दों में बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को समझाया गया है, उसके एक एक पार्ट्स पर विश्लेषण किया गया है। तो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कर आप गिलफोर्ड के सिद्धांत को देख सकते हैं। आइए हम बात करें, तो चूंकि आप जानते हैं गिलफोर्ड ने सबसे पहला जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो 1967 में दिया था, और उन्होंने कहा था कि बुद्धि 1, 2 या 7 कारकों का योग न होकर कुल 120 कारकों का योग होती है। उन्होंने कब कहा था, 1967 में, और वह कितने 3 आयामों में बटी होती है, 3 आयाम में बटी होती है, 3 फलक होते हैं उसके। अब यहाँ पर इसी 3 फलक की बात किया जा रहा है, क्योंकि बाद में उन्होंने एक बार संशोधन किया तो 150 फैक्टर्स बताएं, और अब इस समय जो उनका अंतिम संशोधन है उसमें उन्होंने बताया है कि बुद्धि के जो फैक्टर हैं वो कुल 180 फैक्टर्स हैं, यानी कि 6 × 5 × 6। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकार, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि 3 तरह के ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, 3 तरह का इन्होंने आयाम दिया, जिसमें से उन्होंने बताया कि ये तीनों आयाम मिलाकर कुल 180 कारकों के द्वारा बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है या बुद्धि की संरचना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें, तो जब कोई शोधार्थी अपने द्वारा बनाए गए परीक्षण की वैधता किसी स्थापित सिद्धांत के अनुरूप जानना चाहता है तो उसका लक्ष्य होता है। फिर से ये प्रश्न एक परीक्षण निर्माण से संबंधित है। तो अब जब परीक्षण निर्माण की वैधता ज्ञात करना है तो पहले से स्थापित, यानी कि आप दो तरह से आप ज्ञात करते हैं, जब भी आपको वैधता ज्ञात करना है तो वैधता ज्ञात करने के लिए आप इंटर आइटम कोरिलेशन करते हैं। पहले से कोई परीक्षण आपके पास मौजूद है तो उस परीक्षण के साथ क्या करते हैं, कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। ठीक, या तो भविष्य में अपने उसी को उसी टेस्ट से कोरिलेशन ज्ञात। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले से स्थापित, यानी कि उसी समय पहले से कोई स्टैंडर्डाइज परीक्षण है, उसी परीक्षण के साथ आप क्या करेंगे, अपने परीक्षण का कोरिलेशन करेंगे, सहसंबंध ज्ञात करेंगे, और उसके आधार पर आप वैलिडिटी की स्थापना करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो समवर्ती वैधता, समवर्ती वैधता, क्योंकि वहां पर
उसी समय उपलब्ध है, इसलिए समवर्ती वैधता ही ऑप्शन होगा। अगले हम प्रश्न पर बात करें तो संवेगात्मक विचारों तथा कार्यों को नियंत्रित नियंत्रण होता है। फिर से हम संवेग इमोशन में आ गए हैं और वो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पहले भी ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि जो संवेग का नियंत्रण होता है वह कहाँ से होता है। क्योंकि संवेग का नियंत्रण करने के लिए हाइपोथैलेमस सबसे अधिक जिम्मेदार है, लेकिन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस कहीं भी ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, लिम्बिक तंत्र, पाचन तंत्र और स्वभाव के द्वारा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लिम्बिक सिस्टम। क्यों सही होगा ये मैं बताता हूँ आपको कि लिम्बिक सिस्टम एक ऐसी मस्तिष्क में संरचना है जो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स ऐसे मुख्य मुख्य कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें मिलाकर कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि मुख्य रूप से स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं और वही संवेगात्मक विचारों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो लिम्बिक तंत्र होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें तो समस्या समाधान के संकृत्य में समाधानकर्ता निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग करता है, किसी एक विधि का प्रयोग करता है। इससे प्रश्न पढ़ें कि समस्या समाधान के कार्य में समाधानकर्ता किसी एक विधि का प्रयोग। चलिए, क्योंकि यहाँ पर कोड मिलाने का वाला प्रश्न है और ये कह रहे हैं किसी एक विधि का प्रयोग करता है, चलिए पढ़ते हैं। एल्गोरिदम विधि, साधन मीन एंड एनालिसिस कहते हैं इसको, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, ह्यूरिस्टिक। क्योंकि आप देख रहे हैं तो ये चारों के चारों ही ऑप्शन क्या हैं, समस्या समाधान की विधियां हैं। एल्गोरिदम विधि यानी कि एक ऐसी विधि जो बहुत लंबा समय लेती है लेकिन समाधान होने की गारंटी होती है। मीन एंड एनालिसिस जो कि ह्यूरिस्टिक विधि का ही एक उपभाग है, और उपकल्पना परीक्षण, क्योंकि ये इनको एक निश्चित क्रम में करना है हमें, तो आइए हम इसे अगर एक क्रम में करें तो सबसे पहले जो होता है वो एल्गोरिदम विधि होगी, फिर आप परिकल्पना का निर्माण करेंगे, परिकल्पना निर्माण होगा, फिर ह्यूरिस्टिक विधि होगी क्योंकि इसका एक पार्ट है मीन एंड एनालिसिस, तो इसलिए ये अंत में होगा। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 3, 4 और 2। चलिए अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो किसी मनोवृत्ति मापनी पद विश्लेषण में मापों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी मनोवृत्ति माप, आप मान लीजिए कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उस टेस्ट में आप पद विश्लेषण कर रहे हैं, आइटम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आइटम एनालिसिस करने के लिए आपको देखना होगा कि मनोवृत्ति की जो आइटम एनालिसिस की जाती है उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी पीछे भी हमने आपको बताया है कि किसी भी परीक्षण की जब हम मानकीकरण करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं, उसकी वैलिडिटी ज्ञात करते हैं और उसकी विभेदनकारी क्षमता ज्ञात करते हैं और एक निश्चित मानक निर्धारित करते हैं और तब जाके किसी परीक्षण का मानकीकरण होता है। तो अब इस आधार पर आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा पद विभेदनकारी यानी डिस्क्रिमिनेशन पावर, विश्वसनीयता और वैधता। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 30 का A। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करने में मदद करेगी, साथ ही प्रत्येक प्रश्न से बनने वाले अनेक प्रश्नों पर आप विचार कर पाएंगे और प्रत्येक ऑप्शन पर विचारों को समझ सकेंगे और नए प्रश्नों को बना सकेंगे। इस उम्मीद के साथ आपको, साथ ही अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत